was Amitabh one of the reasons that the, you know, the film is Deewar? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर को कोई एतराज़ नहीं था और अमित जी को भी एतराज़ नहीं था, तो लोगों से ये बार बार सवाल आ रहा है कि हमने जानबूझ के शायद ये टाइटल रखा फिल्म का और शायद कुछ एक अलग सा एक हाइप क्रिएट करने के लिए ये नाम चुना गया. ऐसा कुछ नहीं है. हकीकत ये है कि फिल्मों के टाइटल कम होते जा रहे हैं. हर साल 150 फिल्में बनती हैं, तो हमारी अपनी कल्पना भी एक लिमिट पे जाके रुक जाती है. कोशिश हमेशा यही होती है कि नए नए टाइटल्स लेके आए हम, लेकिन कई बार जो टाइटल आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है आपकी कहानी को, वो टाइटल किसी और के पास होता है. इस फिल्म के दौरान ये हुआ कि ये बहुत ही मशहूर फिल्म थी और बहुत ही मशहूर टाइटल था, लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि उस फिल्म की जगह कायम है और कायम रहेगी. यश चोपड़ा साहब की बहुत अच्छी फिल्म थी वो, और उससे मैंने भी कई बार देखा है और कई बार उस फिल्म से मैंने सीखा है. तो वो फिल्म अपनी जगह है, ये फिल्म अपनी जगह है, और हमारी कहानी को ये टाइटल बहुत ज़्यादा सूट करता है, जो कि आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि ये टाइटल क्यों चुना गया. इस दीवार के पीछे पड़ोसी मुल्क में हमारे जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उन्हें कैद रखा गया है और वहाँ से भाग के उस दीवार को तोड़ के उन्हें घर लौटना है, ये हमारी कहानी. देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी फिल्म का इतना बड़ा ये स्टेचर हो सकता है कि वो करोड़ों की आवाम का जो सोचना है उसको बदल सके या उसको इन्फ्लुएंस कर सके. फिल्म का जो एक मकसद होता है वो 3 घंटे तक आपको एंटरटेन करके रखना होता है. इस दौरान हम कई किस्म की प्लेसिंग करते हैं कहानी की. अगर मैं आपसे कहूं कि बागबान फिल्म में बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, तो क्या ये सच होगा कि हर घर में ऐसा होता है? अगर मैं कहूं कि इस फिल्म में एक फैक्शन ऐसा है पाकिस्तान का जो कि इन लोगों को रोकना चाहता है, तो मैंने ये भी दिखाया है कि एक फैक्शन और भी है जो ये चाहता है कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और ये लोग घर चले जाएँ. तो एक ड्रामेटिक प्लेसिंग होती है स्टोरी की, जिससे हमको सबसे ज़्यादा निचोड़ उस कहानी के बारे में मिलता है. मैं ये कहानी इंडो चाइना वॉर पे भी बना सकता था, लेकिन उतना आइडेंटिफिकेशन लोगों के माइंड्स में नहीं होता. तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पे इस पिक्चर में पाकिस्तान बैशिंग या किसी मुल्क या किसी कौम की बैशिंग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस सेंसिबिलिटी की ये फिल्म है नहीं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सेंसिबिलिटी की फिल्में बंद हो जाएंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि किसी मुल्क की तरफ या किसी कौम की तरफ मैं उंगली उठा के कहूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं. तो एक ये एंटरटेनर है, एक एडवेंचर फिल्म है, जिसमें हाँ, यस डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को रोकने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मैंने अभी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर एक अंग्रेज़ी फिल्म मेकर WWII पे आज भी अगर एक कहानी बनाए, तो जाहिर है कि वो दिखाएगा कि जर्मन आदमी बुरा है और ब्रिटिश आदमी अच्छा है. तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ये चाहता है कि जो प्रॉब्लम 1945 में था वो आज दोबारा हो जाए. कि अगर हमने लगान फिल्म देखी तो उसमें ये दिखाया कि अंग्रेज़ बुरे हैं और हिंदुस्तानी किसान जो हैं वो अच्छे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि आज भी अंग्रेज़ बुरे हैं. उस किस्म की फिल्म है और उस किस्म की प्लेसिंग. देखिए, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो प्लान नहीं की जाती. म्यूज़िक इज़ लाइक फॉलिंग इन लव, इट्स इंस्टिंक्टिव. कहीं पे डायरेक्टर को या म्यूज़िक डायरेक्टर को कोई चीज़ सूझ जाती है, एक सिचुएशन अपने आप उमड़ के आती है या कोई ट्यून अच्छी लगती है, तो वहाँ पे हम उसी वक्त डिसाइड करके, यू नो, जैसे आप गाना सुनते हैं रेडियो पे तो या तो बिल्कुल अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता. तो ऐसे ही म्यूज़िक बनाया जाता है. इसमें कोई गहरी सोच या कोई कुछ बहुत सारा कुछ प्रेपरेशन नहीं होता. एक दिन सुबह उठ के आदमी को ये आइडिया आती है कि यहाँ पे गाना होना चाहिए, तो गाना डाल देते हैं. इसके अलावा ये हमने ज़रूर कोशिश की है और ये हम बहुत केयरफुल भी रहे हैं कि इस फिल्म की जो इंटेंसिटी है, जो इंटेग्रिटी है, इसको छिछोरेपन से बिगाड़ा ना जाए. बेमतलब के गाने,
या उस किस्म के गाने जो पिक्चर की फैब्रिक के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उस वहाँ तक हमने रुकावट रखी है। और यही ब्रीफ था मेरा आदेश श्रीवास्तव को कि जहाँ तक हो सके गाने आप ऐसे लीजिए जो हम बैकग्राउंड स्कोर में भी यूज़ कर सकें, जो हम जैसे मैं बताऊँ कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लगान और गदर, जिन्होंने अपनी फिल्म की फैब्रिक के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, माहौल के हिसाब से म्यूज़िक सेलेक्ट किया। और वो म्यूज़िक जहाँ तक मुझे याद है पिक्चर रिलीज़ होने के पहले पॉपुलर नहीं हुआ, और पिक्चर देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि फिल्म मेकर ने क्यों इस टाइप का म्यूज़िक यूज़ किया। मैं भी समझता हूँ कि इस पिक्चर का म्यूज़िक की जो पॉपुलैरिटी है, अगर ये फिल्म चलेगी तो मेरे ख्याल में ये 100 गुना इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये चीज़ें अपने में बहुत पैसा ले जाती हैं थोड़ी सी, और जाहिर है कि एक बड़ी फिल्म में एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बजट का फिल्म के एक्टरों की तरफ जाता है और फिल्म के प्रोजेक्शन उसके प्रमोशन की तरफ खर्चा किया जाता है। ऑल्सो इन कीपिंग विद द टाइम्स, फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है जो आपने शायद देखा होगा प्रोमोस पे, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही नया है। मुझे कई फ़ोन्स आते हैं कि ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज़ी फिल्म है, कैमरा वर्क में बहुत ध्यान दिया गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि खर्चे का और लैविश दिखाई देने का कोई संबंध नहीं, शोले इज योर बेस्ट एग्जांपल।